वेलकम टू MDRS, नाम तो सुना होगा। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा रेडियो अल्नर जॉइंट्स और रिस्ट जॉइंट के बारे में। छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तो जो रेडियो अल्नर जॉइंट है, ये फॉर्मेशन होता है रेडियस और अल्ना की वजह से, और जो वो दोनों कनेक्टेड रहते हैं एक आपस में इंटरोसियस मेम्ब्रेन की वजह से, ठीक है। तो इसमें दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। पहले एक होता है सुपेरियर रेडियो अल्नर जॉइंट और दूसरा इन्फेरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है। एक पाइवट जॉइंट है, सैनुवल जॉइंट की एक टाइप है, पाइवट जॉइंट है रेडियो अल्नर जॉइंट। तो इसमें हम सुपेरियर रेडियो अल्नर जॉइंट और इन्फेरियर रेडियो अल्नर जॉइंट देखते हैं। तो दोनों जॉइंट क्या है, पाइवट टाइप है, ठीक है। अगर हम सुपेरियर में अगर देखेंगे या सुपेरियर में, तो क्या होता है, जो सर का हेड, जो हेड ऑफ रेडियस, जो रेडियस का हेड है, ये हेड है वो, मैंने वीडियो थोड़ा ए फोटो थोड़ा गलती बना दी है। जो ह्यूमरस, जो रेडियस की जो हेड है, हेड की जो सरकमफ्रेंस है, वो इधर अल्ना की क्या करेगा, अल्ना में जाके वो जॉइंट बनाएगा, ठीक है। उधर अल्ना में जाके जॉइंट बनाएगा। तब इधर की सुपेरियर रेडियल अल्नर जॉइंट की आर्टिकुलर सरफेस में सरकमफ्रेंस ऑफ हेड ऑफ रेडियस ये होता है, और जो दूसरा ओसियो फाइब्रस रिंग फाउंड बाय रेडियल नोज ऑफ अल्ना एंड एनुलर लिगामेंट, इधर एनुलर लिगामेंट में एक नोज बनाता है, उसमें जाके ये अटैच होता है। तो इन्फेरियर रेडियल अल्नर जॉइंट में क्या होगा, अल्ना की हेड होगा, इसमें उल्टा होगा, हेड ऑफ अल्ना होगा और अल्नर नोज ऑफ रेडियस होगा, और रेडियस में अल्नर नोज होगा, उसमें जाके ये जॉइंट बनाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद इसकी जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई अगर सुपेरियर रेडियो अल्नर जॉइंट में देखते हैं, तो एनास्टोमोसिस अराउंड द लेटरल साइड ऑफ द एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट में जो एनास्टोमोसिस होती है वो सब इसको सप्लाई करेगी। लेकिन इन्फेरियर रेडियो अल्नर जॉइंट में एंटीरियर एंड पोस्टेरियर इंटरोसियस आर्टरी सप्लाई करेगी। उसके बाद नर्व सप्लाई देखें, तो जो सुपेरियर रेडियो अल्नर जॉइंट है उसमें नर्व सप्लाई अल्नर नर्व, मीडियन नर्व, रेडियल नर्व और मस्कुलोस्केलेटल नर्व, चार टाइप के नर्व आते हैं। लेकिन इन्फेरियर रेडियो अल्नर जॉइंट में एंटीरियर एंड पोस्टेरियर इंटरोसियस नर्व, वही आर्टरी की तरफ, ठीक है। और इसमें जो मूवमेंट होती है, सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन होगी सुपेरियर में, इसमें भी सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन होगी। तो ये हो गई हमारी रेडियो अल्नर जॉइंट। अब इसमें अगर लिगामेंट देखते हैं, तो सुपेरियर रेडियो अल्नर जॉइंट की लिगामेंट में एनुलर लिगामेंट और क्वाड्रेट लिगामेंट आता है, और इन्फेरियर रेडियो अल्नर जॉइंट में फाइब्रस कैप्सूल और आर्टिकुलर डिस्क दो आता है, ठीक है। अब अप्लाइड में देखते हैं, एक होता है पुल्ड एल्बो, कोई बच्चे को देख लीजिए इस तरीके से टांग देंगे, तो वहाँ से जो रेडियल एनुलर लिगामेंट से जो रेडियल हेड है ना, जो एनुलर लिगामेंट में जो रेडियल हेड है वो निकल जाएगा वहाँ से। तो ये बहुत कॉमन होता है चिल्ड्रन, बच्चों में मोर कॉमन इन चिल्ड्रेन, और सब लक्सेशन ऑफ रेडियल हेड फ्रॉम एनुलर लिगामेंट, जिसको हम बोलते हैं पुल्ड एल्बो, ठीक है। और दूसरा डिसलोकेशन ऑफ एल्बो भी हो सकता है, टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो। टेनिस एल्बो का मतलब होता है अगर मीडियल, सॉरी, टेनिस एल्बो में लेटरल एपिकोंडाइल में अगर इंजरी हो जाए तो टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो में अगर मीडियल एपिकोंडाइल की, टेनिस में लेटरल एपिकोंडाइल की इन्फ्लामेशन, और गल्फर सेल्बो में मीडियल एपिकोंडाइल की इन्फ्लामेशन होता है। तो ये हो गया हमारा रेडियो अल्नर जॉइंट। उसके बाद आता है दूसरा हमारा रिस्ट जॉइंट। तो रिस्ट जॉइंट एक होता है एलिप्सोइड टाइप ऑफ जॉइंट, सिनोवियल जॉइंट होता है, ये फॉर्म्ड होता है बिटवीन बिटवीन द रेडियस अल्ना और ये जो हमारे कार्पल के बोन्स होते हैं उसमें। तो अपर अपर पार्ट में ये रेडियस की लोअर एंड और आर्टिकुलर डिस्क ऑफ रेडियो अल्नर जॉइंट से फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जो लोअर में है स्कैफोइड ल्यूनेट ट्राइक्यूट्रल इससे होती है, ऐसे देखिए इधर से रेडियस, इधर से अल्ना और इधर से स्कैफोइड ट्राइक्यूट्रल और ल्यूनेट, इस तरीके से होता है जॉइंट, ठीक है। इसमें आर्टिकुलर लिगामेंट कौन कौन सी होती है, तो आर्टिकुलर कैप्सूल होगा जो सराउंड करेगा जॉइंट को, और ये अटैच्ड होता है अबव द लोअर एंड ऑफ द रेडियस एंड अल्ना, ठीक है। और इसमें और कौन कौन सी चीज़ होती है, तो पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट और पाल्मर अल्नो कार्पल लिगामेंट, रेडियल कोलेटरल लिगामेंट और अल्नार कोलेटरल लिगामेंट, आप इसको याद करिएगा। फिर से देखिए, लिगामेंट में आर्टिकुलर कैप्सूल आता है, उसके बाद पाल्मर रेडियो कार्पल एंड अल्ना कार्पल, रेडियो पाल्मर रेडियो कार्पल रेडियो रेडियो कार्पल एंड अल्नर कार्पल लिगामेंट, और ये दूसरा हो गया
रेडियल कोलेटरल लिगामेंट और अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, इस तरीके से आप कर लीजिएगा। अब उसके बाद ब्लड सप्लाई, इन दोनों को ब्लड सप्लाई इंटीरियर एंड पोस्टेरियर कार्पल आर्क करती है, और नर्व सप्लाई इंटीरियर एंड पोस्टेरियर इंटीरोसियस नर्व, ये हो गई ठीक है। उसके बाद इसमें जो मूवमेंट होती है फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एडक्शन, मसल उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इसकी अप्लाइड में देखते हैं, एक होती है गैंग्लियन सिस्ट। गैंग्लियन सिस्ट क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे ऐसे आप देखे होंगे किसी के हाथ में बड़ा सा फूलता फूला होगा, तो उसको हम बोलते हैं गैंग्लियन सिस्ट। अगर उसको उसको हम डिफाइन करते हैं तो वो नॉन टेंडर सिस्टिक स्वेलिंग होती है, वही समटाइम कॉमनली अपियर ऑन द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट जॉइंट। तो ये हो गई हमारी रिस्ट जॉइंट और रेडियो अल्नर जॉइंट की वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।